नमस्कार, मैं अंजना खिलनानी, स्वागत आपका अमलान क्रिएशंस में। पिछले एक वीडियो में हमने राइस प्लेट पर फॉरेस्ट बनाया था, फॉरेस्ट ऑन अ राइस प्लेट, ये एक वीडियो था। और जो हम ब्रोकन एंड यूजलेस एंड वेस्ट क्रॉकरी की सीरीज में चीजों को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ बना रहे थे, उसी में ये राइस प्लेट पर फॉरेस्ट बनाया गया था। और तभी से कुछ व्यूअर्स की फरमाइश थी कि आप एक गोल प्लेट पर भी अरेंजमेंट करके दिखाएं। तो आज बाय चांस मुझे एक गोल सॉसर नजर आ गई, करीब जैसे 6 इंच की सॉसर होती है, वो मिल गई है। तो मुझे आइडिया एकदम से आया और वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, आज जिस गोल प्लेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ये गोल प्लेट, करीब 6 इंच इसका डायमीटर है। और इस पे हमें ऊपर जैसे हमने राइस प्लेट में अरेंजमेंट किया था उसी तरीके से बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जिनमें एक तो ये पौधा, ये मैं जेड का पौधा बाहर से गार्डन से निकाल के ले आई। अभी रूट बॉल इसका इंटैक्ट रखना है ताकि इसकी अपनी मिट्टी बराबर रहे, ये चिकनी मिट्टी में ही है। और इसके अलावा हमें चाहिएगा ये मिक्सचर मिट्टी का, जो कि आप राइस प्लेट वाला वीडियो देखिएगा उसमें ये मिट्टी जैसे हमने बनाई थी, चिकनी मिट्टी और मॉस को मिला करके, आप प्लीज़ एक बार उसे देख लीजिएगा ताकि ये मिट्टी आप आसानी से बना सकें। आज मैं दोबारा ये मिट्टी नहीं बना रही हूँ क्योंकि जो लोग जानते हैं उनके लिए ये रिपीटिशन हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं वो फॉरेस्ट ऑन राइस प्लेट उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा अमलान क्रिएशंस पे, आपको ये मिट्टी बनाने का तरीका पता चल जाएगा। जब भी हम कभी फ्लैट चीज़ पर बनाते हैं तो यही मिट्टी हमें बनानी होती है। तो इसके अलावा ये मैंने मॉस ग्रास को पानी में भिगो रखा है, बिल्कुल सूखी होती है मॉस, लेकिन इसको हम पानी में भिगो देते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। और मैंने एक ये फेंस रखी है, मिट्टी ढहने से थोड़ा बची रहे इसके लिए। पिछले राइस प्लेट वाले वीडियो में अपन ने पत्थर इस्तेमाल किए थे, उसमें बीच बीच में पत्थर डाले थे ताकि मिट्टी नीचे गिरने से थोड़ा रोक सके। इस बार हम ये फेंस इस्तेमाल करेंगे। अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं ये फेंस कहाँ मिलती है, तो आज मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मैंने एक स्टेशनरी शॉप से ली है, लेकिन आपको हॉबी की जितनी भी शॉप्स होती हैं या स्टेशनरी पे आप ट्राई कीजिए, आसानी से ये मिल जाती है। और अब तो जैसे बच्चों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो मई जून में जैसे होती हैं छुट्टियाँ, तो उसके पहले सभी हॉबी शॉप्स पे इस किस्म के मटेरियल मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पत्थर रखे हैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, देखते हैं अगर अच्छे लगेंगे तो इसको यूज़ करेंगे और अगर नहीं लगेंगे तो नहीं करेंगे। और ये इस छोटे से अरेंजमेंट के लिए मैंने किए छोटे से लाफिंग बुद्धा, और मेरे पास ये दोनों कलर्स में हैं, ब्राउन भी है गोल्डन भी है, तो देखते हैं कौन से अच्छे लगते हैं वो लगाते जाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है, सिर्फ सामान इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार जब आपका सामान इकट्ठा हो जाता है उसके बाद कुछ भी देर नहीं लगेगी। तो इस टाइम जब आप घरों में बैठे हैं प्लीज़ बोर मत होइए, ये क्रिएटिव काम कीजिए, रोज़ एक नया आइडिया आपको देती जाती हूँ, करते जाइए। ये देखिए, ये एक जेड प्लांट है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, इसकी अपने आप शेप इस तरीके से आई हुई है, तो हम इसी को ही कुछ और कर लेंगे ऐड करते हुए। अब इसमें हमें सिंपली इस मिट्टी के साथ इसको जोड़ लेना है चारों तरफ से। इसको मैंने एक बॉल में तब्दील कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया बॉल को, अब ये मिट्टी यहाँ से नीचे नहीं जाए, इसलिए ये जो फेंस है इसको हम नीचे से इंटैक्ट कर देते हैं चारों तरफ से ऐसे। इस चिकनी मिट्टी में ये आराम से सेट हो जाता है। पूरा गोल बनाने की बजाय मैंने ये पीछे से देखिए थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, क्योंकि ये फेंस इतना मुड़ नहीं रही थी, तो जितना फेंस इजीली इसको मोड़ के पकड़ सके ये पीछे से इस तरीके से मैंने प्लेट के शेप में ही कर दिया है। और आगे से ये आपके फेंस जो है देखिए बिल्कुल एक बॉर्डर की तरह इसको पकड़ के खड़ी है। अब हमें इस गीली मिट्टी में ही ये भीगी हुई मॉस को थोड़ा सा निचोड़िए और इसको रख के, मॉस को हमेशा गीले गीले को ही लगाना है, नीचे की मिट्टी भी गीली गीली सी ही थी, और इसको आप बहुत आराम से पुश करते जाइए मॉस को। मॉस लगाने की एक वजह ये भी होती है कि एक तो ये आपका
जो सीन है ये बहुत ऐसा लगेगा जैसे जंगल में ही पेड़ उगा हुआ, ये घास जैसा लुक दे देगा। और सबसे ज़्यादा एक्चुअली टेक्निकल बात तो ये है कि आपके जो ये मिट्टी है ये बहुत जल्दी सूखेगी नहीं, ये मॉइस्चर रिटेन करती रहेगी, हवा जितनी भी ऊपर से लगेगी तो ग्रास बहुत देर तक गीली रहती है। तो इस तरीके से मैंने ये पीछे भी पूरी लगा दी है और ये आगे भी पूरी मॉस लगा के इसको बहुत अच्छे से ना हमें दबा देना है, बल्कि फिंगर से इस तरीके से प्रेस कर लीजिए अंदर, ताकि मिट्टी के अंदर ये इंग्रेव हो जाए मॉस। वरना क्या होता है कि अगर हम घर के बाहर रखते हैं तो कई दफ़ा चिड़िया इसको ले जाती है ग्रास को, तो अगर ये मिट्टी में अच्छे से दबी हुई होगी तो इंटैक्ट रहेगी। ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। अब हम जाएंगे डेकोरेशन पे। अब देखिए ये फेंस से इंटैक्ट है। अब ये जो शेप जा रहा है इसको मैं चाहती हूँ अगर हम इधर दबा दें तो ये अपने आप ही एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। और इसे दबाने के लिए आप ऐसी कोई भी पिन ले लीजिए, ये जूड़ा पिन है, अदरवाइज कोई भी तार लीजिए, उसको यू शेप में कन्वर्ट कीजिए और इसको यहाँ अटका के इस पिन से इंटैक्ट कर लीजिए। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये इस शेप में आ गया। इसके बीच में हम अपने लाफिंग बुद्धा को बिठाते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो लाफिंग बुद्धा को देख देख कर बहुत ही अच्छे से निकलेगा। इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा रंग बिरंगा बगीचा बनाने के लिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं, ये भी आपको आर्ट शॉप पे मिल जाएंगे। कभी कभी क्रिएटिव ऐसा सुंदर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है ऐसी चीज़ों की, तो हमें यूज़ कर लेने चाहिए। ये दो मैंने फूल लगा दिए। थोड़ा और कलर कॉन्ट्रास्ट देने के लिए मैं इसमें ये कुछ ऑरेंज पत्थर लगा देती हूँ, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ, तो थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है। ये बन गया हमारा बहुत जल्दी। देखिए छोटी ये गोल प्लेट पर एक छोटा सा क्यूट सा क्रिएशन हुआ जिसमें लाफिंग बुद्धा आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। और ये तो थी एक छोटी प्लेट, लेकिन इसी को ढूंढते ढूंढते मुझे ये एक और प्लेट जो राइस प्लेट थी और इसमें बीच में क्रैक आ गया। अब ये भी क्योंकि मेरे काम की नहीं है तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं, ताकि इस बड़े प्लेट पर क्या चीज बन सकती है। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और अपकमिंग वीडियोस में इस प्लेट पर बनाते हुए एक वीडियो बनेगा। तो तब तक अमलान क्रिएशंस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, मिलते रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। नमस्कार।